प्रेम से बोलिए घाट की जय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए संदेश देना जरूर न भूले। तो गाइस हम लोग अब आ चुके हैं एंड अब उतरने वाले हैं पग ध्यान की ओर। पग ध्यान से मिलते हैं नीचे आप लोग को। सो गाइस अभी हम लोग सीताकुंड में स्नान कर चुके हैं एंड देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। ये पवन जी हमारे साथी हैं एंड इसको तो देख ही होंगे ब्लॉग में आप लोग। एंड थोड़ा सा साफ होता है तब यहाँ का आपका मैं व्यू दिखाऊंगा। नहा के अब रेडी हो चुके हैं, अब जाना है शंकर भगवान के पास। अब जल चढ़ाने का देरी है, बस हम लोग अब नहा चुके हैं। सब कोई यहाँ पे देख सकते हैं, सब कोई है एंड देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है। तो आपको हम अच्छे से आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं गाइस कितना हाइट पे यहाँ पे पहाड़ है। देख सकते हैं कितना ज्यादा पहाड़ है यहाँ पे, बहुत विशाल है। और देख सकते हैं गाइस कितना क्राउड है। अभी तो क्राउड कम हो चुका है, पहले बहुत ज्यादा क्राउड था, अभी थोड़ा सा भोर में और ज्यादा था। देख सकते हैं यही है सीताकुंड और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत श्रद्धालु लोग स्नान कर चुके हैं एंड कर रहे हैं। और बरसातों के दिनों में वहाँ से जो है आपको दिख रहा होगा वहाँ से पानी आता है एंड देख सकते हैं गाइस बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। आप देखिए कितना अच्छा लगता है। कोशिश होगा तो आप ज़रूर यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। तो गाइस अब हम लोग निकलते हैं फाइनली भगवान भोलेनाथ के गुप्तेश्वर महाराज के जल चढ़ाने। तो गाइस ये देख सकते हैं आप मेन द्वार है यहाँ का। मेन द्वार है, यहाँ सीढ़ी है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। ये है मेन द्वार एंड हम लोग जा रहे हैं अभी। तो उल्टा
चलो जी लिख रहे थे हर महादेव गाइस इस प्रकार कर रहे हैं हर हर महादेव जय हो भोले शंकर जय भोले बाबा जय गुप्तेश्वर महाराज हर महादेव आने दो सकते पहले आनंद लो रुक जा इधर रुक जा नीचे से है रास्ता पता नहीं जाओ देख सकते हैं पानी का जो बूंद गिर रहा है उसको मान्यता है कि जल प्राप्त कर ली है जल प्राप्त करना नहीं लेना है पूरा अंदर देख सकते हैं कितना गाइस गुफा है और बहुत ही अद्भुत नजारा देख सकते हैं गुप्तेश्वर महाराज भगवान भोलेनाथ का नारियल ही फूट चलो बहुत बहुत दर्शन हो गया मुझे बहुत अच्छा है एक लग जा रहा है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है बोल
पूरा पानी यहाँ से भी रिस रहा है। पूरा पानी जो है रिस रहा है। सो फाइनली अब हम लोग बाहर की ओर ऑक्सीजन सुविधा है का तो भर से फाइनली हम लोग प्योर आ चुके हैं। अब हमारा गुहा से निकलना निकल चुके हैं हम लोग गुफा से। अब गुप्ता धाम का जो ट्रिप रहा हम लोग का बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर रहा है, बहुत ही मज़ा आया हम लोग को। यहाँ देखिए और गाइस अभी हम लोग पता है यहाँ देखिए और हम लोग देखिए अभी हम लोग ताप्ती गंगा से घर जा रहे हैं। एडवेंचर ही बहुत ही मस्त रहा हम लोग का, बहुत ही मजा आया। दिन से बोल रहा हूँ भाइयों। एंड गाइस हम लोग अब जा रहे हैं गुप्ता धाम से अब घर की ओर। ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। अभी फिलहाल हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग आए थे ट्रैक्टर से एंड अभी जा रहे हैं हम लोग पिकअप से। देख सकते हैं गाड़ी है एंड यहाँ पे भी बहुत सारे लोग। हम लोग गाइस ऊपर बैठ के जा रहे हैं, ऊपर मजा आ रहा था इसलिए। तो गाइस बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा हम लोग। ब्लॉग बस अब यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में उसी प्यार उसी जोश के साथ। तो लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।